समंता जगवानेषु अत्रागच्छन्ति देवता सधम्मं मुनिराजसं शृण्वन्तु सर्गमुखरं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता नमो तस्स भगवतो अरिहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरिहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरिहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। विश्ववंदनीय महाकारणी तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित आर्य सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन ऐसा भिक्षु संघ सर्वप्रथम इन तीन रंगों को मैं त्रिवार अभिवादन करता हूँ। वैसे ही भारतीय गढ़ने के शिल्पकार बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने इस भारत वर्ष में धम्म क्रांति का ऐलान किया, उस धम्म क्रांति में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। वैसे ही सभी जुड़े हुए शिव संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं बालक तथा बालिकाएं सभी के प्रति मंगलमय थी मंगल कामना। तो आज के इस सत्र में हम जानेंगे एक सूत्र है उत्तर निकाय में जिसका नाम है आशा सूत्र, आसन सूत्र है उसका नाम। तो उस सूत्र के बारे में जानेंगे, शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि भगवान बुद्ध ने अलग अलग प्रकार से धम्म दिखना दी हुई है, और इस सूत्र में भी भगवान बोलते हैं कि तीन प्रकार के आदमी होते हैं, है ना। वैसे तो अलग अलग प्रकार के आदमी होते हैं, लेकिन उनके अलग अलग व्यवहार के तौर पर, अलग अलग ज्ञान के तौर पर, अलग अलग स्वभाव के तौर पर, अलग अलग हैबिट के तौर पर उनका कैटेगराइजेशन किया जाता है ना। कोई पृथक्जन होता है, कोई आर्यजन होता है, कोई अनार्य होता है ना, कोई सेख्य होता है, कोई असेख्य होता है। इस प्रकार से दो दो भी कैटेगराइज किए जा सकते हैं, और अलग अलग प्रकार से फिर कैटेगराइजेशन किया जाता है। अंगुत्तर निकाय में हम जानते हैं कि एक निपात है, दो निपात है, तीन निपात है, और ऐसे 11 निपात है। तो उसमें अलग अलग प्रकार से हर एक निकात निपात में थोड़े बहुत क्या होता है, अलग अलग प्रकार से आदमियों का वर्णन किया जाता है ना। वैसा वर्णन पुग्गल पय्यति में भी मिलता है कि अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, पुद्गल होते हैं, और उनके स्वभाव अलग होते हैं, उनके चर्या अलग होती है, तो उनको कैटेगराइजेशन किया जाता है ना। तो इस प्रकार से कोई 8 प्रकार के होते हैं, तो उसमें श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अनंत, तो मार्गगामी, फलगामी। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से अलग अलग विशेषणों के साथ, अलग अलग गुण के साथ, अलग अलग व्यवहार के साथ भगवान बोलते हैं कि अलग अलग प्रकार के आदमी होते हैं। तो इस सूत्र में भी भगवान बोलते हैं कि तीन प्रकार के आदमी होते हैं, है ना। तो कौन से तीन प्रकार के होते हैं? तो इस सूत्र में बताया है कि पहला होता है निरासो, ना निरासो होता है, दूसरा होता है आसंसो, और तीसरा होता है विगतासो, है ना। आसंसो मतलब कि आशावादी, ना जो व्यक्ति का होता है आशावादी होता है। एक तो होता है आशावादी, है ना, और एक होता है निरासो, निराशावादी जिसको बोलते हैं, लेकिन वो उसका राइट ये नहीं किया गया, उसके बारे में देखेंगे।
और उसका होता है एक तीसरा होता है विगत आशा कि जिसकी आशा परिपूर्ण हो गई। तो उस सूत्र में बताया है कि तीन प्रकार के जो लोग होते हैं, तो उसका निराशों का ट्रांसलेशन क्या किया गया है बहुत जगहों में निराशावादी कहा है, लेकिन उसका सही ट्रांसलेशन ऐसा होता है कि कुछ कुछ लोगों में क्या होते हैं, कुछ कुछ लोग होते हैं होपफुल, है ना, वो होप रखते हैं किसी चीज के प्रति भी, आशा रखते हैं कि जैसे कोई लोग होते हैं कि आशा रखते हैं कि ये काम मैं पूरा करूंगा, ये काम मैं पूरा करूंगा, मैं फलाना फलाना नौकरी करूंगा, फलाना फलाना बिजनेस करूंगा, तो मैं सक्सेस हासिल करूंगा ही करूंगा। तो इस प्रकार से कोई लोग होते हैं जो आशावादी होते हैं, है ना, माने कि उनमें कुछ तो भी एक आशा होती है, आशंसा होती है, कुछ तो भी आकांक्षा होती है, कुछ कर दिखाने की, कुछ करने की। तो इस कैटेगराइजेशन के लोग होते हैं आशावादी, है ना। और इस कैटेगराइजेशन के लोगों में क्या होता है कि जो लोग मतलब कि उनके पास लगभग कुछ तो होता है थोड़ा बहुत, समझो किसी के पास क्या होता है कि एक मंजिला इमारत है, तो वो क्या करता है कि आशा रखता है कि मैं दो मंजिला इमारत खड़ी कर लूँ, है ना। तो उस प्रकार के लोग होते हैं आशावादी। और आशावादी लोगों के पास में क्या होता है कि कुछ ना कुछ तो भी साधन सामग्री होती है, उनकी सिचुएशन अच्छी होती है, और उस सिचुएशन से वो उठने की चेष्टा करते हैं, उस सिचुएशन से वो आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं, है ना। जैसे कि अगर भारत में देखेंगे या फिर आर्थिक तौर पर देखेंगे तो जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, तो वो दरअसल मिडिल क्लास लोग क्या होते हैं, बहुत सारे होपफुल होते हैं, वो आशावादी होते हैं कि मेरी लाइफ क्या हो जाए, चेंज हो जाए, मैं मिडिल क्लास से हायर क्लास की तरफ चलता जाऊं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, बहुत सारे मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, गाड़ी बंगला फलाना फलाना जो भोग संपत्ति है उसको मिलाने के लिए बहुत सारी चेष्टाएं करते हैं। तो इसी के साथ उनका जीवन क्या होता है, पूरी तरह से आशावादी जीवन होता है कि वो कुछ करते हैं, संसार में आए हैं तो कुछ कर दिखाने की चेष्टा करते हैं। तो इस कैटेगराइजेशन के लोग होते हैं आशावादी, और ये हर फील्ड में मिलते हैं, चाहे वो आर्थिक फील्ड हो, सामाजिक फील्ड हो, शैक्षणिक फील्ड हो, है ना, ज्ञान की फील्ड हो, या फिर कोई और चीज हो। तो किसी भी क्षेत्र में कोई कोई लोग क्या होते हैं, आशावादी होते हैं, है ना। तो ये आशावादी लोग होते हैं, और दूसरे होते हैं जो इससे विपरीत होते हैं। आशावादी के विपरीत क्या होता है कि एक ऐसे लोग होते हैं कि जो जिनकी कुछ आशाएं नहीं होती, है ना, माने कि वो लोग क्या होते हैं कि केवल हम देखते हैं कि जो इस कैटेगराइजेशन में जो लोग होते हैं वो कम क्या बोल सकते हैं उसको, उसके मन उनके मन में आशा ही नहीं होती। वो जैसे समझो जो होता है अपनी घसे पीटी लाइफ जो है जीते रहते हैं, और दूसरों को ताने मारते हैं, कोसते हैं, कुछ कर दिखाने का उनमें जज्बा नहीं होता। तो ऐसे टाइप के लोग होते हैं निराशावादी नहीं कहा जाता उनको, निराशावादी ऐसे लोग होते हैं कि जो जो आशा तो रखते हैं लेकिन क्या हो जाता है उनकी आशा भंग हो जाती है, तो या फिर क्या होते हैं वो निराशावादी होते हैं। तो इस सूत्र में जो उसका हिंदी ट्रांसलेशन है अंगुत्तर निकाय का, बनता आनंद कौसल्य जी ने किया हुआ है, और उसके साथ साथ विपस्सना VRI का जो होता है, विपस्सना रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनके द्वारा एक टिप्पणी यहाँ पे लिखी हुई है, बहुत प्यारी टिप्पणी है कि उन्होंने बताया है कि जो निराशु लोग होते हैं, है ना, आशंसु लोग होते हैं, और एक निराशंसु लोग होते हैं, निराशु लोग होते हैं, और एक विगतासु लोग होते हैं। तो जो निराशु होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे लोग नहीं होते कि जिनकी आशा पूरी होती है ना, अरे बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनकी आशा पूरी नहीं होती तो उनको निराश ही बोलते हैं। लेकिन इसके इसके अलावा भी उन्होंने क्या किया है कि निराशों का तात्पर्य है ऐसे व्यक्ति जिनके मन में कोई आशा ही नहीं होती, है ना, तो उनको निराशा का उन्होंने ट्रांसलेशन किया हुआ है आशा के विपरीत, जिनके मन में आशा नहीं है उन्होंने क्या कहा है उसको, शून्यशा कहा है ना, शून्यशा माने कि शून्य आशा, जिसके मन में शून्य आशा है उसको उन्होंने शून्यशा कहा। हालांकि ये शब्द हिंदी में नहीं है, तो उनका कहना है कि ये शब्द जो है हिंदी में गढ़ा जाए, हिंदी में क्या हो जाए उसका स्थान मिल जाए, है ना, शब्दकोश में या फिर हिंदी भाषा में अगर शून्यशा इस शब्द का हिंदी में अगर आ जाता है तो हिंदी की क्या हो जाती है, हिंदी का गौरव हो जाता है, हिंदी की भाषा समृद्ध हो जाती है, ऐसा उनको ऐसा उनका मानना है VRI के संशोधनों का। तो इस प्रकार से ये रहते हैं,
ना। और ऐसे लोग जो होते हैं लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, अगर इकोनॉमिकली देखा जाए, एक मतलब एक बड़े पैमाने पर देखा जाए, तो मैक्सिमम जो होते हैं लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं या फिर लोअर क्लास के लोग होते हैं, तो वो निराशावादी, शून्यशावादी, उन जिनके मन में कुछ आशा नहीं होती। वो एक ही रूटीन जीते हैं, सुबह से शाम का एक ही ये होता है, लिमिटेड उनका जीवन होता है, लिमिटेड उनके ख्वाब होते हैं, उनके बड़े बड़े ख्वाब नहीं होते, और वो ख्वाब ही नहीं होते, तो वो ख्वाब पूरी करने के लिए कुछ चेष्टा भी नहीं करते, है ना। वो जो जैसा चल रहा है वैसे चलने देते, जैसा चल रहा है वैसे चलने वाले लोग क्या उसको क्या बोलते हैं, निराशु या फिर शून्यशु। तो निराशु बोला है उनको, और एक होते आशावादी कि जो कुछ तो भी करने की चेष्टा रखते हैं, कुछ कर दिखाने का जज्बा रखते हैं, उनका कुछ तो भी ख्वाब होते हैं, और वो ख्वाब पूरे करने के लिए जी जानते हैं, मेहनत करते हैं, है ना। तो ऐसे व्यक्ति ही क्या होते हैं, जो जो आशावादी व्यक्ति होते हैं वही क्या होते हैं, जिन्होंने क्या किया है, पूरे जो संसार देख रहे हैं आज, जो इतना विज्ञान प्रगति कर रहा है, जो आर्थिक तौर पर इतना मनुष्य प्रगति कर रहा है, वो दरअसल क्या होता है, क्या किया है, जो आशावादी लोग हैं उन्होंने आशा रख के क्या हुआ है, मनुष्य जीवन का विकास किया हुआ है ना। और जिन्होंने आशा नहीं रखी है वो अपने ही किसी भी लाइफ जिए हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया है, कुछ नया नहीं किया हुआ है। और तीसरे प्रकार के लोग होते हैं, उनको बोला बताया है कि जो विगतदास होते हैं, विगतदास माने कि उनकी आशा पूर्ण हो जाती, परिपूर्ण हो जाती है, अभी उनको और करने की कुछ अभिलाषा नहीं होती, उनके जीवन में कुछ अभिलाषा नहीं होती, है ना। जैसे क्या होता है कि जो मिडिल क्लास का लड़का होता है कि उसको क्या होता है कि एक मंजिला इमारत है तो दो मंजिला इमारत हो जाए, है ना, उसका ऐसा उनका सपना होता है। लेकिन जो लोअर क्लास के लोग होते हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उनके पास रहने के लिए घर नहीं होता, खुद का घर नहीं होता, या फिर जो फुटपाथ पर सोते हैं, ऐसे लोग बोल सकते हैं, दरिद्र लोग बोल सकते हैं, जिनके पास अपना झोपड़ा है और उसमें वो समाधान ही रहते हैं, है ना, वो अलग से कुछ नहीं कर सकते, अलग से कुछ करने का उनके मन में भी विचार नहीं आता। तो ऐसे लोग होते हैं कि जो कुछ नहीं करते हैं, जो निराश होते हैं, और जो विगतदास होते हैं वो ठीक ऐसे ही होते हैं कि वो कुछ अलग से नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके पास प्रचुर मात्रा में क्या होता है कि जो सभी चीजें होती है जो उनके जीवन में चाहिए होती है। जैसे मिडिल क्लास के लोगों के पास गाड़ी होती है, मतलब बंगला होता है, और गाड़ी नहीं होती, गाड़ी होती है तो बंगला नहीं होता, कुछ तो भी कमी रहती है, और वो कमी को पूरी करने के लिए वो आशावादी बनते हैं। लेकिन जो विगतदास लोग होते हैं उनके पास किसी चीज की कमी नहीं, जैसे कि एक राजा का लड़का, आमिर खानदान का लड़का, कि जिसके पास क्या होता है कि पूरी धन प्रॉपर्टी है, और है ना, जैसे इस सूत्र में उदाहरण दिया है कि जो कोई राजा का लड़का होता है, जो लाड़े राजा का ज्येष्ठ लड़का होता है, कि वो राजा बनने के बाद वो राजा बनने वाला है, ये फिक्स होता है, उसके पास उसके पूरे राजगद्दी होती है, ऐशो आराम की चीजें होती है, पूरी भौतिक संपदा होती है, उसको जो जो चाहिए वो सब कुछ मिलता है। तो ऐसे जो विगत आसु लोग होते हैं वो भी कुछ उनके जीवन में आशा नहीं होती, कुछ अलग करने का उनमें जज्बा नहीं होता, जुनून नहीं होता, वो ऐसे ही स्टेबल रहते, है ना। तो इस कैटेगराइजेशन के लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसा समझा जा सकता है कि वो क्या होता है कि जो कुछ भी जीवन की आवश्यकता है वो पूरी हो गई है, और जीवन की जो नीड है, जीवन की जो इच्छा है वो उनकी पूरी हो रही है, लगभग सारी इच्छाएं उनकी जो जो कामनाएं कर रहे हैं वो पूरी हो रही है, तो वो कुछ अलग चीज करने की कामना नहीं रखते, और इसको ही बोलते हैं विगतदास। पानी की वो जो अपने जीवन से संतुष्ट है ऐसे लोगों को बोलते हैं विगतदास। एक जो होते हैं जो आसनसोल लोग होते हैं, जो अभी फिलहाल तो आधा अधूरा संतुष्ट होते हैं, लेकिन पूरी संतुष्टि के लिए कुछ चाहिए होता है ना, कुछ अलग से वो कर दिखाना चाहते हैं, अलग से उनको कुछ चाहिए होता है। और तीसरे प्रकार के लोग होते हैं कि वो संतुष्टि भी नहीं होते और उनको कुछ चाहिए भी नहीं होता, वो मतलब वो अज्ञान में जीते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं, या फिर वो अज्ञान में किसी भी जिंदगी जीते हैं, या फिर वो अज्ञान में जिंदगी जीते हैं, है ना। ये तीन प्रकार का कैटेगराइजेशन होता है। तो ये ठीक है, तीन प्रकार का कैटेगराइजेशन भगवान ने भिक्षु के बारे में भी किया है, एक साधक के बारे में भी किया है, कि जैसे कोई भिक्षु होता है वो क्या होता है, निराशु कैसे होता है। तो निराशु भिक्षु क्या होता है कि वो दुष्ट होता है, पापी होता है, शीलों का पालन नहीं करता है, अश्रवण होता है, श्रवण प्रतिज्ञा पूरा नहीं करता, ब्रह्मचर्य भी खंडित करता है, उसको ब्रह्मचर्य से कोई लेना देना नहीं है, राग द्वेष मोह उसके मन में भरे पड़े हैं, वो किसी की सुनता नहीं है, आंसू उसके मन में बैठे पड़े हैं,
और वो उनके उसका चित्त अनासर हो जाए ऐसा उसके मन में आता भी नहीं है ना, उसका चित्त मुक्त हो जाए, वो निर्वाण पा जाए ऐसा उनके मन में कभी भी उत्पन्न नहीं होता है ना। वो तो कब मैं इस आश्रम से मुक्त हो जाऊँ, कब मैं इस दुख से मुक्त हो जाऊँ ऐसा वो कभी भी सोचता भी नहीं है ना। कब मैं निर्वाण को प्राप्त कर लूँ ऐसा कभी सोचता भी नहीं है, ऐसे भिक्षु को कहा जाता है। तो भिक्षु क्या है, निरासो है ना। निरासो मतलब कि मन में निर्वाण को पाने की, मुक्ति के पाने की जरा भी आशा नहीं है, है ना। एक तो होते हैं कि जो आशावादी होते हैं उनके मन में क्या होता है कि जो शीलवान होते हैं और कुछ जो निर्वाण पाने के लिए उनके मन में एक तीव्र इच्छा जागती है कि मैं कब इस संसार से छूट जाऊं, कब मैं इस दुख से मुक्त हो जाऊं। और वो निर्वाण पाने के लिए कुछ ना कुछ चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं। तो वो जो होते हैं वो आशावादी भिक्षु होते हैं, है ना, कि वो आशा रखते हैं कि निर्वाण प्राप्त हो जाए, कब मैं इस आश्रम से मुक्त हो जाऊं, कब मैं इस दुख से छूट जाऊं, कब मैं इस लोकीय क्षेत्र से लोकोत्तर दिशा में चला जाऊं, ऐसा उसके मन में उत्पन्न होता रहता है। वह व्यक्ति होते हैं आशावादी आसंसु, है ना। लेकिन जो निराश होते हैं उसके मन में उत्पन्न ही नहीं होता है ना। कुछ लोग होते हैं कि जो कुछ भिक्षु ऐसे होते हैं कि जो कोशिश करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, वो निराशावादी कहे जाते हैं। लेकिन जो निराश होते हैं वो क्या होते हैं कि उनके मन में कभी उत्पन्न ही नहीं होता कि मैं कब इस संसार से मुक्त हो जाऊँ, कब मैं इस दुख से दूर हो जाऊँ, है ना, कब मैं निर्वाण को प्राप्त हो जाऊँ। तो ऐसे भिक्षु कौन होते हैं, अविद्या से भरे पड़े होते हैं, तृष्णा से भरे पड़े होते हैं, अज्ञान से भरे पड़े होते हैं। और दूसरे होते हैं कि जो आशावादी होते हैं, वो क्या होते हैं कि थोड़े उनको पता होता है कि निर्वाण क्या है, और निर्वाण को पाने के लिए किस प्रकार से थोड़ा बहुत प्रयास किया जाए, तो वो थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं। ऐसे लोग होते हैं आशावादी, मानी कि वो मिडल में। और तीसरे प्रकार के होते हैं जो विगत आसुर, भगवान ने उनको बताया कि जो विगत आसुर भिक्षु होते हैं वो क्या होते हैं, अरंत होते हैं, क्षीणास्त्र होते हैं, है ना। वो पूरी तरह से उनके चित्त से विकार निकले होते हैं, आश्रम निकले होते हैं, तो अभी पूरी तरह से उनका चित्त क्या होता है, शांत हुआ होता है, प्रशांत हुआ होता है, वो पूरी तरह से संतुष्ट आनंदित हुआ होता है। अभी इस क्षेत्र में, इस लोक में, इस लोकोत्तर अवस्था में उनको अभी कुछ पाने की आवश्यकता नहीं होती, वो परफेक्ट हो जाते हैं, सभी कुछ उनको प्राप्त हुआ जाता है, जो करना था वो कर चुके होते हैं। तो ऐसे भिक्षु को बोलते हैं विगतासु, है ना। पानी अभी जो निर्वाण प्राप्त किया, अभी उसको और चीज को प्राप्त करने के लिए उनके मन में कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने सारी चीज क्या कर दी है, प्राप्त कर दी है ना, क्योंकि सारी चीज उनके पास लगभग है। तो ऐसे लोग बोलते हैं विगतासु भिक्षु को बोलते हैं विगतासु भिक्षु, है ना। तो ये तीन प्रकार के भिक्षु होते हैं। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान का सीधा सीधा इस सूत्र में कहना है कि हमें क्या होना चाहिए, एक तो विगतासु होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए आसंसु, है ना। आसंसु माने कि आशावादी होना चाहिए, होपफुल होना चाहिए, हमें कुछ तो भी पाने की चेष्टा करनी चाहिए, तब जाके हमारा जीवन है जो है सफल हो जाएगा। हमारा भिक्षुओं के लिए कहा है कि ब्रह्मचर्य उनका सफल हो जाएगा, है ना। तो उस ब्रह्मचर्य को सफल करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो जो उस ब्रह्मचर्य को सफल करने की कामना रखता है, आशा रखता है, वही क्या हो सकता है, उस ब्रह्मचर्य को पा सकता है। इसीलिए आशावादी होना बहुत ही आवश्यक है ना। तो ये भगवान का कहना है कि हमें किसी पीटी नहीं लाइफ नहीं जीनी। तो दो तीन लोगों में कौन श्रेष्ठ होते हैं कि दो लोग श्रेष्ठ होते हैं, जो आशावादी होते हैं और जो विगतासु होते हैं, मानी कि उनकी आशा परिपूर्ण हुई होती है। तो आशा किनकी परिपूर्ण होती है, कि जिनके मन में पहले आशा होती है उनकी ही आशा परिपूर्ण होती है। तो इसीलिए हमें भी क्या होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए, वो चाहे हर किसी चीज में, है ना, चाहे वो संसार में कुछ कर दिखाने की आशा हो, या फिर चाहे वो आप किसी की हेल्प करने की आशा हो, दान पारमिता पूरी करने की आशा हो, पारमिता पूरी करने की आशा हो, या फिर निर्वाण पूर्ण करने की आशा हो, किसी प्रकार की तो अपने को क्या होनी चाहिए, आशा होनी चाहिए, है ना। तो ये होपफुलनेस भगवान ने बताया है, उसको उसका क्या किया है, पुरस्कार किया हुआ है कि हमें इंसान को हमेशा क्या होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए, कुछ तो भी अलग करना चाहिए। तो इसका क्या हुआ कि जैसे हम देखते हैं कि संसार में जो, या फिर मनुष्य इतिहास देखेंगे तो जो लोग आशावादी हैं उन्होंने क्या किया है, मनुष्य प्रजाति को आगे आगे ले गए हैं, है ना, कुछ अलग से उन्होंने कर दिखाया है। जो लोग पिछले लोग कर रहे हैं उनको उन्होंने ऐसा नहीं किया है, इन पिछले लोगों से अलग कुछ तो भी किया है ना। जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं, अमेरिका के स्वतंत्र और मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने, स्वतंत्र संग्राम में उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया है, उनका कहना यही था कि
मनुष्य का जीवन उसके नहीं हुआ है कि मतलब उसके 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 परदादा या फिर उसके पिताजी जो करते हैं मनुष्य ने नहीं करना चाहिए, उसे कुछ तो भी अलग करना चाहिए। उसका जीवन इसीलिए हुआ है कि वो कुछ तो भी अलग करे, अपने पिताजी जो कर रहे हैं उस काम से कुछ तो भी अलग करे, उसीलिए मनुष्य का जीवन हुआ है। तो इसीलिए उनका अगर जीवन जीवनी देखेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन के, तो बहुत ही क्या है, बहुत एक प्रकार से वो बहुत ही एक राजनेता है, कुशल राजनेता है, कुशल अर्थतज्ञ है, कुशल एक उन्होंने वैज्ञानिक भी रहे हैं। उन्होंने हर प्रकृति के बारे में, प्रकृति के रहस्य समझने के लिए बहुत सारे संशोधन किए हैं। जैसे कि हम बिजली का आविष्कार देखते हैं, तो बिजली की कंडक्टिव जो तार से बिजली जाती है ना, विद्युत प्रवाह हमारे घर में आता है, तो वो विद्युत प्रवाह उन्होंने होता है, बिजली ट्रांसफर होती है, बिजली क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इसलिए उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। बार बार फेल हुए फिर भी उन्होंने क्या किया, वो आशावादी रहे, और वो आशावादी रहे और कुछ अलग करने का उनके मन में जज्बा था, और फिर उन्होंने क्या किया, आखिरकार इलेक्ट्रिसिटी की खोज की है ना, जो बिजली आकाश में गरजती है उसको क्या किया उन्होंने, स्टोरेज स्टोर किया है ना, एक पतंग से और एक इलेक्ट्रिक तार के किया था, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर किया था। तो ये जो लोग होते हैं, ये जो आशावादी लोग होते हैं, जो बहुत सारे आशावादी लोग होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं ना, हर एक साइंटिस्ट क्या होता है, आशावादी होता है, और वो क्या होता है, इस प्रकृति के रहस्य खोजने के लिए उसके मन में क्या होती है, कुछ भी आशा होती है, आकांक्षा होती है, वो एक क्यूरियस रहता है ना। आशावादी को अगर हम देखेंगे अध्यात्म के क्षेत्र में या फिर ज्ञान के क्षेत्र में, अगर वो ज्ञान पाना चाहता है, ज्ञान के क्षेत्र में आशावादी है ना, अध्यात्म के क्षेत्र में आशावादी है, तो वह व्यक्ति क्या है, क्यूरियस कहा जाता है, जिज्ञासु कहा जाता है। और ये जिज्ञासु व्यक्ति क्या होता है, कभी शांत नहीं बैठता है, वो हरदम क्या करता है, प्रयत्न करता है, उसका जीवन क्या होता है, प्रयासों से भरा पड़ा पड़ता है ना। जैसे हम देखते हैं कि जो एडिसन है, जिन्होंने बिजली का लाइट का आविष्कार किया है, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब उनके भी जमाने में थे, लेकिन वो क्या थे, ज्यादा एफिशिएंट नहीं थे, ज्यादा उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, तो वो कुछ तो भी कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा चलने वाला बल्ब इजाद करना चाहते थे। उन्होंने 1,000 प्रयोग किए, अलग अलग प्रकार के मटेरियल पर उन्होंने किए थे जो रात में चमकते हैं, और 1,000 प्रयोग करने के बाद उनको क्या मिली, सफलता मिली है ना। तो वो आशावादी रहे, 1,000 प्रयोग करने तक वो क्या रहे, आशावादी रहे, तब जाके उनका जो 1,000वां प्रयोग क्या हुआ, सफल हुआ। अगर वो आशा छोड़ देते कि मैंने 100 प्रयोग कर दिया, 1,000 प्रयोग कर दिए, अब मुझे और नहीं करना है, तो ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है, फिर निराशावादी का, वो कुछ प्रोडक्टिव नहीं करता है। लेकिन जो लोग प्रोडक्टिव होते हैं वो क्या रहते हैं, हमेशा आशावादी रहते हैं, और जो लोग आशावादी रहते हैं वो हमेशा प्रोडक्टिव रहते हैं। तो हमेशा क्या करना चाहिए, हमें प्रोडक्टिव रहना चाहिए, चाहे वो इस भौतिक क्षेत्र में रहे या फिर जो हम आध्यात्मिक क्षेत्र में रहे, है ना। तो ये क्यूरियोसिटी जो है, बाह्य जगत में जितने जो लोग क्यूरियोसिटी करते हैं, तो वो क्या करते हैं, बाह्य जगत में विज्ञान का आविष्कार करते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं। लेकिन वही जो क्यूरियोसिटी है, अगर हमारे मन के भीतर, हमारे जीवन के भीतर, हमारे नाम रूप के भीतर, अगर हम वो क्यूरियोसिटी बन के जाए, लेके जाए, तो वह क्यूरियोसिटी हमें निर्वाण तक ले जाती है ना। क्योंकि भगवान का धर्म ही क्यूरियोसिटी से शुरू होता है, और भगवान ने वो निर्वाण जो है, निर्वाण के बारे में ज्यादा नहीं कुछ कहा, वो एक क्यूरियस रहा, उसको अव्याकुलत बताया, उसको अनुभव के स्तर पर बताया, उसके बारे में ज्यादा व्याख्यान नहीं किया है ना। जिस प्रकार से जो ईश्वर को मानने वाले लोग होते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो ईश्वर को मानने वाले लोग होते हैं वो क्यूरियस नहीं रहते, उनकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है, लेकिन भगवान उतने वो क्यूरियोसिटी ओपन रखने के लिए हमें बहुत सारे क्षेत्र खोल, मतलब ऐसे ओपन एंडेड रखनी है। जैसे कि अविद्या, अविद्या मतलब संसार पर जो सबूत बात है, अविद्या क्या है, तो अविद्या क्या है उसके बारे में भी क्या करें, क्या है कि बहुत ज्यादा उसको अगर हम देखेंगे कि कहाँ से ये शुरुआत हुई, तो भगवान ने उसके बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं है ना, उसके बारे में क्या रखा उन्होंने, वो ओपन एंडेड क्वेश्चन रखा कि किसी को भी क्यूरियोसिटी जनरेट हो सकती है, और कोई भी वो अविद्या क्या है उसको खंगालने के लिए बैठ सकता है, चिंतन मनन करने के लिए बैठ सकता है, तब जाके वो नॉलेज डेवलप कर सकता है। लेकिन ये नॉलेज जो ईश्वरवादी लोग होते हैं वो डेवलप नहीं कर सकते। जैसे जो ईश्वरवादी लोग होते हैं, ईश्वर को मानने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे वो क्या करते हैं कि
किसी भी चीज के पीछे क्या करते थे, कारण को ईश्वर को जोड़ देते। जैसे कि बच्चा कैसे पैदा होता है तो वो बोलते हैं कि ईश्वर पैदा करता है, मनुष्य का जन्म कैसे होता है तो वो बोलते हैं कि ईश्वर से पैदा हुआ, सृष्टि की रचना कैसे होती है तो बोलते हैं कि ईश्वर ने पैदा किया होगा। तो ये ईश्वर को मानने वाली दृष्टि है, भगवान ने साफ साफ बताया कि मिथ्या दृष्टि, और मिथ्या दृष्टि रखने वाला व्यक्ति कभी भी ज्ञान को प्राप्त उपलब्ध नहीं हो सकता वो, क्योंकि उसके पास क्या होता है, रेडीमेड आंसर होता है, और जिसके पास रेडीमेड आंसर होती है उसकी प्रज्ञा कभी भी विकसित नहीं हो सकती। इसीलिए हम देखते हैं कि भारत के इतिहास में, हमारे भारत में ज्यादा से ज्यादा साइंटिस्ट नहीं हो गए, खास करके जो पौराणिक युग है भारत का, जो हिंदू धर्म का उदय वगैरह हुआ है उस युग में, हजारों वर्ष का जो कालावधि है कि जहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कैटेगराइजेशन किया जाता था, तो ये जो काल था वो धर्मांध का काल था। लोग धर्मांध बन चुके थे, धर्म का उपयोग किया जाता था, श्रेष्ठ वर्ण के लोग अपने खुद के उपभोग के लिए, सांसारिक उपभोग के लिए लोगों का शोषण करते थे, लोअर कास्ट के लोगों को, तो ये धर्मांध था। लोगों को कर्मकांड में फंसाया जाता था, तो ये मानसिक गुलामगिरी है ना। तो ज्योतिराव फुले ने भी इस पर किताब लिखी है, मानसिक गुलामगिरी। तो उसमें ही लोगों को क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है मानसिक तौर पर, तो उनकी क्यूरियोसिटी क्या हो जाती है, कम की जाती है, उनकी क्यूरियोसिटी बंद की जाती है, उनकी क्यूरियोसिटी के जो दरवाजे हैं वो पूरी तरह से बंद किए जाते हैं, है ना। हर एक चीज के पीछे क्या दिया, चिपका दिया जाता है, ईश्वर का कारण चिपका देने की वजह से जो इंसानी दिमाग है वो आगे नहीं खोज कर पाता, है ना। तो इसीलिए जो ग्रहण कैसे लगता है इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, वो बता दे कि वो राहु आता है, केतु आता है, उसको खा जाता है, ग्रहण लगता है। तो सादा सादा है कि ग्रहण कैसे लगता है वो पता नहीं है, हवाएं कैसे होती है, दिशाएं कैसी होती है, समुद्र क्या होता है। तो समुद्र का उल्लंघन करना तो हिंदू धर्म में पाप माना जाता था, यहाँ तक कि जो तिलक एक बार समुद्र का प्रवास किया था उनका शुद्धिकरण किया गया था, तो लोग माने तिलक है। यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद भी जब शिकागो गए थे तो भारत आने के बाद उनका क्या किया गया था, गोमूत्र के साथ उनका शुद्धिकरण किया गया था। तो यह अंधश्रद्धा, ये धर्मांधता क्या कर देती है, क्यूरियोसिटी को भंग कर देती है, ज्ञान के दरवाजे बंद कर देती है से, है ना। क्योंकि हर एक चीज के पीछे क्या चिपकाया जाता है, ईश्वर। तो ईश्वर चिपका देने की वजह से वहां पे शोध करने की प्रक्रिया, कार्य कारण भाव को जानने की प्रक्रिया बंद हो जाती है ना। जैसे मनुष्य का जन्म कैसे हुआ, ईश्वर से हुआ, तो वहां पे वो क्वेश्चन जो क्यूरियोसिटी को बंद हो जाती है, रेडीमेड आंसर। सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, ईश्वर ने किया, वहां पे क्यूरियोसिटी बंद हो जाती है, कोई जो प्रज्ञावान व्यक्ति है वो उसके आगे नहीं बढ़ पाता। और इसीलिए जो ईश्वर का रक्ष ईश्वर विश्वास रखने वाले लोग होते हैं, भगवान बोलते हैं, वो मुक्त नहीं बोलते, उनको केवल वो लोकीय लोकीय एक अभिज्ञा प्राप्त हो चाहिए थी, वो विनिवास अनुपति या फिर ब्रह्मजाल सूत्र में अगर आपने पढ़ा हुआ होता तो भगवान ने समझाया कि किस प्रकार से ये कंसेप्ट डेवलप होते हैं ईश्वर के आत्मा के, है ना। तो मिथ्या दृष्टि के कारण ये कंसेप्ट डेवलप होते हैं, क्योंकि उनको सम्यक दृष्टि पूरी तरह से दृष्टि प्राप्त नहीं होती और वो किसी चीज को ईश्वर समझ लेते हैं। यहाँ तक कि आत्मा की दृष्टि भी क्या बताया, भगवान ने मिथ्या दृष्टि बताया, वह भी क्या करती है, क्यूरियोसिटी को खत्म कर देती है। जैसे कुछ तो भी अगर हम नाम रूप को परिचित कर देंगे, नाम रूप क्या है, ये माइंड और मैटर क्या है, भगवान ने बताया कि नाम रूप को क्या करना चाहिए, पंचापलिका ज्ञान या फिर नाम रूप परिच्छेदा ज्ञान जो विपसना का पहला ज्ञान है, तो भगवान ने वहां से क्यूरियोसिटी से स्टार्ट किया है अपना धर्म, है ना। कि नाम रूप परिच्छेद करके देखो कि ये नाम रूप किस प्रकार से अलग है, क्या क्या है इसमें, किस प्रकार से ये बाह्य रूप होता है, फिर चक्षु इंद्रिय होते हैं, वो चक्षु विज्ञान होता है, इनका मिलाप से कैसे स्पर्श बनता है, किस प्रकार से नाम और रूप मिक्स होते हैं, ये देखना है, इस प्रक्रिया को देखना है। तब जाके देखते देखते विशेष विपसना और उस विशेष रूप से अनित्य है, दुख है, अनात्म है, इस प्रकार से अगर देखेंगे या फिर क्यूरियोसिटी से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रज्ञा अनलॉक होंगी, प्रज्ञा के द्वार खुलते जाएंगे, है ना। नाम क्या है, रूप क्या है, अठत लाभ क्या है ना, चित्त क्या है, चेतस क्या है, ये समझते चला जाएगा तो ये पूरा, ये शरीर क्या है, ये जीव क्या है, इसका पूरा का पूरा रहस्य अपने आप खुल जाएगा। तो भगवान ने विपस्सना का पहला ज्ञान से क्या किया है, क्यूरियोसिटी से शुरू किया, है ना। जबकि दूसरे जो ईश्वर वाले हो या फिर आत्मा वाले लोग होते हैं वो क्या कर देते हैं, उनका क्यूरियोसिटी नहीं होती, वो बोलते हैं कि आत्मा का चिंतन मनन करो, ईश्वर का चिंतन मनन करो और तुम मुक्त हो जाओगे, या फिर ईश्वर का जब नाम जप करते रहो तो मुक्त हो जाओगे। तो ऐसा नहीं होता, ये सिंपली प्रोसेस नहीं है। अध्यात्म में भी क्या है, अपने आप में ये जो है माइंड की प्रज्ञा विकसित करने का एक तंत्र है, तो जो भगवान बुद्ध ने पूरी अच्छी तरह से समझाया है। तो जो क्यूरियस लोग होते हैं वही इस
नाम रूप का परिच्छेद करते करते तृष्णा को क्या कर सकते हैं, गिरा सकते हैं, आश्रम से मुक्त हो सकते हैं। आश्रम क्या है, तृष्णा क्या है, दुख क्या है, दुख समुदाय क्या है, दुख निरोध क्या है, दुख निरोध परिपरिगामिनी क्या है, कार्य कारण भाव क्या है, ये जब तक नहीं समझेंगे तब तक प्रज्ञा कैसे विकसित होगी, है ना। तो भगवान ने शुरुआत ही अपने धम्म से, धम्म की क्या की है, क्यूरियोसिटी से किया। और फिर क्यूरियोसिटी से क्या होता है, क्या है नाम रूप क्या है ना। तो वो क्यूरियोसिटी अगर हम रखेंगे, अंदर जाएंगे, शोध करेंगे करेंगे, तो उसका आंसर भगवान ने ऐसा नहीं बताया, ओपन एंड मतलब क्लोज एंडेड नहीं बताया, ओपन एंड। नाम रूप भी बताया तो ये अर्थ कला बताया, चित्त बताया, चेतन बताया, अलग अलग बताया कि अगर तुमको देखना भी है, भगवान बता रहे हैं मतलब कि भगवान ने जैसे बताया है नाम रूप अंदर जानने वाला कौन है, कैसा है, पंचस्कंध क्या है, तो अलग अलग बताया है। एक नाम उसका एक नाम लेके आपको छोड़ नहीं दिया है, रेडीमेड आंसर नहीं दिया है। वो जब तक आप नहीं जानोगे तब तक आपको समझे ही ना, है ना। जैसे कि वेदना क्या है, संज्ञा क्या है, संस्कार क्या है, विज्ञान क्या है, ये इंटेलेक्चुअली तुम्हें समझेंगे नहीं जब तक तुम उसको क्या नहीं करोगे, डिवाइडेशन नहीं करोगे। जब तक डिवाइडेशन नहीं होगा तब तक पूरी तरह से हम उसका ज्ञान जो है डेवलप भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से भगवान ने पूरी तरह से ओपन एंडेड हमें ये धम्म बताया है ना। संदृष्टि को स्वाखा तो भगवता, संदृष्टि को जो दृष्टि उत्पन्न करेगा, है ना। स्वाखा तो बताया है, अलग अलग प्रकार से तो बताया, कैटेगराइजेशन किया है, लेकिन उस कैटेगरी में जाकर भी जब तक हम जानेंगे नहीं कि ये विज्ञान है, ये संस्कार है, ये संज्ञा है, ये वेदना है, तब तक उसमें क्या हो जाएगा, संदृष्टि दृष्टि नहीं उत्पन्न होगा। जब जानेंगे कि वेदना है तो दृष्टि उत्पन्न हो जाएगी कि ये संज्ञा है, दृष्टि उत्पन्न हो जाएगी कि ये संस्कार है, दृष्टि उत्पन्न हो जाएगी ये विज्ञान है, ये चित्त है, चेतसिक है, एक को जानेंगे तो दूसरे के बारे में अपने आप दृष्टि उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार से दुख को जानेंगे तो अपने आप दुख समुदाय को जानेंगे, दुख समुदाय को जानेंगे तो अपने आप दुख निरोध को जानेंगे, दुख निरोध को जानेंगे तो अपने आप दुख निरोध परिवर्तन को जानेंगे। तो इस प्रकार से भगवान ने क्या बताया है कि जो साकार धर्म है, दृष्टि उत्पन्न करने वाला, क्यूरियोसिटी को उत्पन्न करने वाला और क्यूरियोसिटी को उसके साथ साथ शांत करने वाला, विगत आंसू है ना, विगत आंसू मानी की जो आशा आकांक्षा है वो पूर्ण करने वाला, जिसकी आशा पूर्ण हो सकती है इस धर्म को अगर जानेंगे। तो क्यूरियोसिटी भी क्या है, एक जर्नी है ना। जैसे बोलते हैं ना, हैप्पीनेस इज नॉट द जर्नी, हैप्पीनेस इज नॉट द डेस्टिनेशन, हैप्पीनेस इज जर्नी। हैप्पीनेस तो जर्नी है ही, लेकिन हैप्पीनेस डेस्टिनेशन भी है। किस प्रकार से है, तो जो क्यूरियस रहते हैं वो तो खुश रहते ही रहते हैं, लेकिन जब उनकी क्यूरियोसिटी पूरी हो जाती है तब 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 उनको क्या होती है, खुशी मिलती है ना। उसके बाद भी हैप्पीनेस होता है, क्यूरियोसिटी में भी हैप्पीनेस होता है, क्यूरियोसिटी में भी वो एंजॉय करते हैं, और क्यूरियोसिटी के बाद भी क्या होता है, वो हैप्पीनेस होता है। जो आशावादी लोग होते हैं वो भी क्या होते हैं, आशासु लोग होते हैं वो भी हैप्पी रहते हैं, और जो विगत आशु लोग होते हैं वो भी हैप्पी रहते हैं, है ना। तो इसीलिए जो क्यूरियस लोग होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, और स्टेप बाय स्टेप उनकी क्यूरियोसिटी पूरी होने के साथ साथ क्या होता है, उनको एक वहां पे सुकून मिलता है, एक संतुष्टि मिलती है कि हाँ मैंने ये कर लिया है, हाँ मैंने ये प्राप्त कर लिया है ना। तो जिस प्रकार से समझो, जो राइट ब्रदर्स थे जिन्होंने एरोप्लेन का इजाद किया है, तो एरोप्लेन का इजाद करने के लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, है ना। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो उन्होंने बर्नालिस प्रिंसिपल पर काम किया था। तो बर्नालिस प्रिंसिपल पर काम करते वक्त उन्होंने साइकिल को ऐसे वो पंख बनाए हैं कि जो अपलिफ्ट हो सके, है ना। तो इससे साइकिल जितनी जोर से चलाएंगे तो वो हल्की हल्की हो जाती थी, है ना, क्योंकि उन्होंने वो पंखों का डिजाइन इस प्रकार से किया था कि वो बर्नालिस प्रिंसिपल पर काम करे, खाले नीचे लो प्रेशर हो, ऊपर हाई प्रेशर हो, तो वो उड़ सके ऊपर से। तो इस प्रकार से तो साइकिल पर भी अगर वो चलाएंगे तो क्या होता है, उनको हल्का हल्का होने का एहसास होता है। तब जाके वो करने से, वो एक्सपेरिमेंट करने से उनको खुशी हुई होगी कि नहीं, है ना। तो उनको लगभग वहां पे खुशी हुई होगी कि हम जो कर रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है ना। अभी वो उड़े भी नहीं है, अभी उनका एरोप्लेन बना भी नहीं, अभी तो उनको इंजन भी बनाना है, बहुत सारी चीजों पर काम करना है, लेकिन एक छोटी सी चीज पर काम करने से उनको बहुत सारी खुशी होती है, क्योंकि उनको उनका गोल दिखने लगता है, आगे गोल है, आगे मुझे डेस्टिनेशन मिलने वाला है। ठीक इसी प्रकार से जो निर्वाण को पाने वाले लोग होते हैं उनको क्या मिलता है, थोड़ा थोड़ा अनुभव मिलता है ना। ये संदृष्टि को, अकाली को, यही पस्से को भगवान बोलते हैं ना, यही पस्से को है, अकाली को उनका फल मिलता है। तो अकालिक फल मिलने से, हाँ, छोटे छोटे विपसना करने से, यानी दुख अनाथ का बोध होने से छोटे छोटे संस्कार दूर दूर हो जाते हैं, दुख संवेदनाएं दूर हो जाती है, तो क्या होता है, प्रमोद जागता है ना, एक प्रीति जन है ना, कि मुझे कुछ तुम्हें मिल रहा है
ना, इसीलिए भगवान ने जो संबोधि अंग बोले गए, संबोधि प्राप्त करने के अंग बोले, उसमें प्रीति बताया कि प्रीति भी अपने आप में, खुशी भी अपने आप में क्या है, संबोधि प्राप्त करने का, ज्ञान प्राप्त करने का साधन है ना। खुशी भी साधन है और ज्ञान प्राप्ति करने के बाद भी प्रीति और सुख रहता है, साधन भी क्या है, खुशी ही है। तो इसी प्रकार से भगवान का जो धम्म है वो क्या है, तुम्हें प्रैक्टिस करते वक्त भी खुशी करेगा, सुखी करेगा, प्रमोदित करेगा, संतुष्ट करेगा, है ना। और प्रैक्टिस पूरी हो जाने के बाद भी तुम्हें परमानंद मिलेगा, निर्वाणं परमं सुखं भी मिलेगा। तो इस प्रकार से जो विगत आशु है उनको तो निर्वाणं परमं सुखं मिल गया होता है, लेकिन जो आशावादी लोग होते हैं, जो आशावादी भिक्षु होते हैं, उनको भी क्या मिलता है, सुख मिलता है, प्रीति मिलता है। तो इसीलिए भगवान ने समझाया है कि क्यूरियोसिटी के साथ साथ हमें जो, जब क्यूरियोसिटी से हम आगे बढ़ेंगे तो हमें भी क्या 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 उत्पन्न हो जाएगा, हमें क्यूरियोसिटी से धम्म विचय उत्पन्न हो जाएगा, हमारे लिए विजडम उत्पन्न हो जाएगा। विजडम उत्पन्न करने के लिए हमें फिर, जिसके पास क्यूरियोसिटी होती है उसके लिए क्या कर, उसके उसके पास उसको दूसरी चीज चाहिए होती है, एफर्ट्स, है ना। जिसके पास क्यूरियोसिटी होती है वही एफर्ट्स करता है, और जिसकी क्यूरियोसिटी थोड़ी थोड़ी पूरी पूरी हो जाती है वो और ज्यादा एफर्ट्स करता है ना। जैसे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन है, या फिर जो देख रहे थे एडिसन है, तो उनको थोड़ा कुछ तो भी पता लगता होगा, थोड़ा कुछ तो भी उनको सहायक होता होगा, तब वो आगे बढ़ते हैं। राइट ब्रदर्स है, थोड़ा थोड़ा उनको मिलाने से, एक एक चीज के बारे में विजडम मिलने से, एक एक चीज के बारे में ज्ञान मिलने से वो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इस प्रकार से एक चीज के बारे में उनको अगर सक्सेसफुल रहा है एक्सपेरिमेंट, तो दूसरी दूसरी चीज के बारे में एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो और उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं, है ना। तो एफर्ट्स भी क्या है, और ये उत्साह अपने आप में भगवान बुद्ध ने बताया है कि रिद्धिपाद है ना, एफर्ट्स करने के लिए सहायक होता है ना। जैसे एक सूत्र में बताया भगवान ने बुद्ध ने मज्जिम निकाय में कि चार रिद्धिपाद तो होते हैं, छंद, वीर्य, चित्त, मीमांसा, उसके साथ साथ उत्साह भी एक क्या होता है, रिद्धिपाद होता है। तो जो क्यूरियोसिटी उसकी पूरी होती है तो और उत्साहित होता है कि मुझे और ज्यादा करना चाहिए, तो और ज्यादा वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए आगे आता है ना। तो और ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के लिए आगे आता है, और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए वो आगे आता है। तो जो लोग क्यूरियस रहते हैं वो क्या होते हैं, उत्साही रहते हैं, और उत्साह के साथ साथ वो एफर्ट्स करने लगते हैं, उत्साह के साथ एफर्ट्स करते हैं, तो एफर्ट्स भी उनकी पारमिता पूरी होती है, और फिर धीरे 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 वो क्या होते हैं, आगे अपने जो नॉलेज है उसको, अपना साध्य, अपना गोल है उसको पूरा करने के लिए वो बहुत प्रयास करते हैं, और वो प्रयास पूरा हो जाता है। जो आशावादी होते हैं उनका प्रयास पूरा होता है, जो निराशावादी होते हैं, तो निराश होते हैं, उनका जो गोल है कभी पूरा नहीं होता, उनकी क्यूरियोसिटी भी कभी पूरी नहीं होती। तो जो निराश लोग होते हैं, जो ईश्वर को मानने वाले, आत्मा को मानने वाले होते हैं, तो उनके पास कोई नहीं होता, उनको मतलब उनकी विजडम डेवलप करने के लिए कुछ अलग उनके पास जरिया नहीं है, आध्यात्मिक क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े उनके पास कुछ भी ये नहीं है। उनके लिए उनको केवल श्रद्धा का पर्याय बता जा दिया जाता है कि तुम ईश्वर की आराधना करो और तुम मुक्त हो जाओगे, भक्ति मार्ग वगैरह वगैरह, लेकिन वो भक्ति मार्ग में भी तुम्हें मुक्त करने वाला नहीं, क्योंकि मुक्ति करने के लिए क्यूरियोसिटी चाहिए ही चाहिए, है ना। भक्ति तो चाहिए, श्रद्धा तो चाहिए, लेकिन वो श्रद्धा वो तुम्हारे डेडिकेशन होता है, श्रद्धा माने के तुम्हारा डेडिकेशन होता है, दूसरा होता है क्यूरियोसिटी। प्रज्ञा और श्रद्धा से ही मुक्त हुआ जाता है, एक से काम नहीं चलने वाला। भगवान ने बात साफ साफ समझाया कि श्रद्धा अगर ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, प्रज्ञा विकसित नहीं होगी, और प्रज्ञा ज्यादा होगी तो ये कमजोर हो सकती है श्रद्धा। इसीलिए दो चीजें एक साथ चाहिए, क्यूरियोसिटी और डेडिकेशन, तब जाके हम मुक्ति के राह पर आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो क्यूरियस रहना है, डेडिकेट रहना। बहुत बार ऐसा होता है कि साधना करते वक्त हम डेडिकेशन हमारा छूट जाता है, कई बार मार का आक्रमण होता है, बाहर हावी हो जाता है, तो हम साधना नहीं कर पाते, हम पढ़ना नहीं चाहते, हमारा मन नहीं लगता, तो ऐसा होता है, डेडिकेशन छूट जाता है। तो उस समय में मैं सजेस्ट करूंगा कि उस समय में आप क्यूरियोसिटी जनरेट करो, है ना। क्यूरियोसिटी जनरेट करने के लिए धम्म के मार्ग में आप ज्यादा से ज्यादा धम्म श्रवण करो, या फिर बुक्स पढ़ो, है ना। बुक्स पढ़ो, धम्म की बुक्स पढ़ो, धम्म की किताबें पढ़ो, तो तुम्हें क्या पड़ेगा, धम्म की किताबें जब पढ़ोगे तो तुम्हारे मन में क्या हो जाएगा, एक क्यूरियोसिटी आ जाएगी कि भगवान बुद्ध ने कैसे बनाया, या फिर तुम्हें एक डेडिकेशन मिल जाएगा, श्रद्धा उत्पन्न होगी कि
कि जैसे किसी भिक्षु की कहानी पढ़ रहे हो और वो किस प्रकार से उन्होंने गृह त्याग किया, गृह त्याग करने के लिए उनको किस प्रकार की बाधा उत्पन्न हो गई, इतने बाधाओं के साथ भी उन्होंने ध्यान किया, ध्यान में भी इतने प्रकार के बाधा आए, तब जाके उनको निर्वाण प्राप्त हुआ। तो ये अगर पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, कहानी पढ़ने से, धम्म पढ़ने से, एक आधा कंसेप्ट पढ़ लिया जो नहीं समझा है, थोड़ा बहुत समझ में आ गया है ना, किस प्रकार से भगवान ने समझाया है ना, जे 37 बोधिपाक्ष धर्म है, ये अभिधर्म पिटक है, पटीचोसमुत्पाद है, तो ऐसा पढ़ने से फिर मन में और क्यूरियोसिटी आ जाती है कि ये किस प्रकार से है, या फिर श्रद्धा उत्पन्न होती है ये कैसे है, ये क्वेश्चन डेवलप हो जाता है। जब क्वेश्चन डेवलप हो जाता है तो उसको पूरा करने के लिए हम फिर डेडिकेटेड हो जाते हैं और फिर साधना में हमारी बढ़ोतरी होती है, प्रैक्टिस में हमारी बढ़ोतरी हो सकती है। तो इसीलिए जब जब हमारा डेडिकेशन छूट जाए तब हमें आशावादी होना चाहिए, आसंस होना चाहिए, मानी कि क्यूरियस होना चाहिए। क्यूरियोसिटी के लिए बार बार धम्म श्रवण करो, धम्म को पढ़ो, धम्म का चिंतन मनन करो, है ना, या फिर धम्म की चर्चा करो, चर्चा सत्र का आयोजन करो। चर्चा करने से भी क्या होता है, फिर एक उत्साह मिलता है ना। तो इस प्रकार से उत्साह जनरेट करो, उत्साह के साथ तुम आगे बढ़ोगे, डेडिकेशन तुम्हारा मिला मिल जाएगा, और तुम धीरे 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 उत्साह के साथ ही तुम्हारी जो आशा है वो क्या हो जाएगी, पूरा पूरी हो जाएगी। एक समय आएगा कि तुम विगत आसो हो जाओगे, धम्म के क्षेत्र में जाओगे, अध्यात्म के क्षेत्र में जाओगे, तो तुम्हें निर्वाण जो है पूरा हो जाएगा। निर्वाण के पाने की अगर आशा है, अनागामी, तो वो आशा उत्साह के साथ और क्यूरियोसिटी के साथ और डेडिकेशन के साथ पूरी होगी। तो आज के लिए ये सूत्र यहाँ पे संपन्न होता है। आशा करता हूँ है ना कि आप सभी को ये सूत्र समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो, साधु। साधु साधु साधु।